मेरी मुस्कान आपको समझ में आ रही होगी, जो नजारे हैं ना यहाँ पे, ओ हो। आपने वो आंटी को देखा जो मास्क पहन करके साड़ी पहन के डंडा खड़ी थी? कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली हैदराबाद को जाने वाली 1270A मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हैदराबाद हुसैन सागर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से सुबह 1:20 से 10 देरी से चल रही है। स्वागतम सुस्वागतम मालिक, कैसे हो? सब ठीक ठाक? तो मैं आ चुका हूँ सतारा में, और सतारा आप टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं कास पठार। वैली ऑफ फ्लावर्स भी है और हम आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मिलते हैं। मालिक आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये सतारा स्टेशन है। सतारा स्टेशन से आपको उधर पीछे दिख रहा होगा ऑटोज दिख रहे होंगे वो पूरे, तो ऑटोस चार्ज हाई कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सिटी बस का। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है जो सिटी बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, वहाँ से हमको कासपठार के लिए मिल जाएगा बस। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं दे दूंगा कि कितना टिकट है। मालिक मैं फाइनली, मेरी मुस्कान आपको समझ में आ रही होगी कि फाइनली मैं कासपठार पहुंच चुका हूं। आप इस नेट्स के द्वारा पता लगा सकते हो, मेरे पीछे काफ़ी सारा हरियाली। तो मालिक आपने देखा, अभी जितने भी वीडियोस देखे होंगे जो घाट के वीडियोस हैं, ये घाट के वीडियो सतारा से कासपठार का जो स्टॉप है वहाँ तक वो रास्ता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया था, MSRTC लिया था मैंने, तो MSRTC में टिकट गिरा मुझे 40 रुपया। तो हम लोग 3 लोग थे, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे भी, तो टोटल हमको 120 रुपीज़ लगा यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप MSRTC या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना ले, आप अपने खुद के व्हीकल से आए, गाड़ी या कार से आना, क्योंकि जो बीच में जो घाट के नज़ारे हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मैं तो उतना एंजॉय नहीं कर पाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हालांकि ये डिसएडवांटेज होता है कि आप भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो, अपनी गाड़ी हो या फिर अपना 4-व्हीलर हो, तो डेफिनेटली एक बहुत सारा मेमोरीज आप लेके जा सकते हो। तो चलिए फिर आज एक्सप्लोर करते हैं इसको। कासपठार को वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 850 टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कासपठार को आने के लिए सबसे जो अच्छा महीना रहता है, जो सूटेबल महीना रहता है, वो है अक्टूबर मिड,
क्योंकि सितंबर तक तो इस साल पानी था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बस का नाम बताना भूल गया, वो सतारा से तटले जाती है। मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका एग्जैक्ट नेम बता दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। और सभी फेयर्स मैंने जितने भी प्राइसेस लगा है, जितने भी चार्जेस लगा है मुझे, वो पूरा चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना। एक मुंबई से हम लोगों ने लिया था तिरुनेल्ली एक्सप्रेस और वहां से हम लोग सतारा उतर गए। सतारा से ये 25 किलोमीटर है। आपको स्टेशन से, जैसे आप स्टेशन पे उतरोगे तो सुबह मॉर्निंग में 6 या फिर 6:30 का एक बस रहेगा। स्टेशन से आपको बस स्टैंड आना पड़ेगा और बस स्टैंड पे आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आपको बस मिल जाएगा और उस बस से ही आपको कास प्लेटियो या फिर कास पठार बोलते हैं यहाँ पे, तो कास पठार पे आपको स्टॉप आ जाएगा। तो इसका ऑनलाइन फीस है जो कि 100 रुपीज़ एंट्री फीस है। आप ऑफलाइन भी आकर के यहाँ पे ले सकते हो, प्लस आप ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करना चाहते हो सेफर साइड के लिए तो आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो। वेबसाइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेक करके एडवांस बुकिंग कर लेना। तो मालिक आज है 25 सितंबर, देख सकते हो आसपास तो हरियाली है, बहुत सारा बारिश के कारण, तो थोड़ा सा धूप गिरने दीजिए। थोड़ा सा धूप गिरने से ही फूल खिलते हैं, तो अक्टूबर, मिड अक्टूबर या फिर एंड ऑफ द अक्टूबर आप इधर आ सकते हो, प्लान बना सकते हो, आपका प्लान एकदम सक्सेसफुल रहेगा। जो नज़ारे हैं ना यहाँ पे, ओ हो, इतना हरियाली है, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, शायद ही मैंने ज़िंदगी में पहले देखे होंगे, और कास पठार में मुझे देखने को मिल रहा है। और सुबह उठ के जल्दी आना, ये ट्रैवल करना, ये वर्थ है, मैं बोल रहा हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप आएँ और इसको तहे दिल से आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो आप नहीं जानते थे ज़िंदगी में वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला वैली ऑफ फ्लावर्स है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, और जो दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कास पठार जो सतारा में मिलेगा। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, जो इन्होंने फीस ली है 100 रुपीज़, ये वर्थ है। टोटल फैला हुआ है 100 से भी ज़्यादा एकर्स लगता है मुझे। एक्चुअली ये 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, जो अभी तो ये फर्स्ट सेक्शन है जो आप देख रहे हो मेरे आसपास, और ऐसे 2 सेक्शन हैं, जो मेन रोड है जो गांव का रोड जाता है उसके राइट में एक सेक्शन है और उसके लेफ्ट में 2 सेक्शंस है। जंगल सफारी भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसका प्राइसेस लाइक 4000 से स्टार्ट होता है, 10 से 12 लोगों को वो लेके जाते हैं, और छोटे छोटे जीप है जो बोलेरो जीप होती है उसमें आपको लेके जाएंगे जंगल सफारी।
एक्सपेक्टेशंस था फ्लावर्स को लेकर के वो बहुत कम था, पर यहाँ पर आने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए हैं। जहाँ पे मेन फ्लावर्स है, जो पत्ते रहते हैं फूलों को, वो वाले फ्लावर्स अगर खिले हुए फ्लावर्स रहेंगे ना, वहाँ पे गार्ड्स मिलेंगे आपको। वो हालांकि वो अंदर जाने नहीं दे रहे, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है और उनका भी अपना, वो अपना काम कर रहे हैं और हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। दूर से ही फ़ोटो लेना पड़ेगा और जितना भी हो सकता है अपने आँखों में कैप्चर करके चलना पड़ेगा। ये देखिए मालिक, ये जो घास है ना, ये घास देख के ना गाँव की याद आती है। कितना सुकून देता होगा ना ये घास जब नरम सोते होंगे हम लोग। वाह वाह वाह, इस घास में सोना और ऐसे फूलों में कितना अच्छा लगता है। तो मालिक, आपने वो आंटी को देखा जो मास्क पहन करके, साड़ी पहन के डंडा खड़ी थी? जी हाँ, वो है यहाँ की तगड़ी गार्ड एकदम, जो लोगों को ना थोड़ा भी एक कदम अंदर जाने नहीं दे रही है। तो सैल्यूट टू हर वर्क, जो उनका काम उनको बोला गया था वो बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनको देख के, इसलिए मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग करके मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था। और अंदर जाने से ना अच्छा भी नहीं लगता है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तुम कितना फ़ोटो निकालोगे यार? तो ठीक है, चलते हैं अभी आगे। मालिक के बोर्ड भी लगा है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहता था।